मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट। निर्मला सीतारमण के बजट को विपक्ष के कितने नंबर। अखिलेश मायावती डिंपल यादव को कैसा लगा बजट। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश हो गया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट। आम बजट 2023-24 को पिछले बजट की बुनियाद और इंडिया एट 100 के मसौदे पर निर्माण की उम्मीद। निर्मला सीतारमण के आम बजट पेश करने के साथ ही इस पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी का बजट जन विरोधी है और बीजेपी को चंदा देने वाले उद्योगपतियों का हितैषी है। बीजेपी सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों के हितों हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं। देश का अधिकांश युवा बेरोजगार है, व्यापारियों का धंधा मंदा हो गया है, मध्यम वर्ग महंगाई और टैक्स की मार से परेशान है। ऐसे में ये बजट सिर्फ छलावा है। बजट पेश करने के कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीते सालों के बजट को याद दिलाते हुए बीजेपी पर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। बीजेपी का ये बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि वे चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुँचाने के लिए बनाते हैं। इसके साथ ही सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी बजट को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा, ये चुनावी बजट किसानों के लिए, इसमें कुछ भी नहीं। किसानों के MSP की बात तक नहीं की गई। रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। ये बहुत ही निराशाजनक बजट। वहीं BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी मोदी सरकार के बजट को बेकार बताया है। ये बजट उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे। इसमें घोषणाओं, वादों, इरादों और उम्मीदों की बरसात की जाती है, किंतु वे सब बेमानी हो गए। जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार से झेल रहा है और इसके साथ ही लोअर मिडिल क्लास बन गया है। अति दुखद है कि इस वर्ष के बजट में भी कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत पर 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन ये उम्मीदें झूठी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।